सो गाइज, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर और हमने काफी कुछ समझा था, क्योंकि चैप्टर के अंदर हमने पूरी तरीके से एक्सटर्नल रिलेशन हम समझ रहे थे। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से भारत जो है ना, उसके एक्सटर्नल रिलेशन कैसे थे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने जानने की कोशिश करी थी कि इंडिया के ने पाकिस्तान के साथ कैसा था, चाइना के साथ कैसा था, बेसिकली बिकॉज दे आर आर नेबरिंग कंट्री, और नेपाल, फिर उसके बाद मालदीव था, भूटान था, बांग्लादेश था, उसके बारे में हमने पहले भी स्टडी कर ली थी। सो वो चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर और थोड़ा सा इजी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू नो दैट इफ यू वांट टू गेट द नोट्स तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन चीजों के ऊपर, और स्पेशली टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे मैं बच्चों के आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, वहां जाके जरूर जुड़ जाइएगा। अब बात करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। हमने इंडो रिलेशंस तो हमने सारा पढ़ लिया था, ये सब इंडो रिलेशन हमने पढ़ लिया था, किस तरीके से चाइना से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, और उसके बाद फिर हमने ये इन्होंने इन्विजन कर दिया था, उसके बाद एंड फाइनली हमने पढ़ा था किस तरीके से हमने नॉर्थ ईस्ट की कंट्री को फिर स्टेटहुड की पदवी दी थी, मतलब स्टेट्स बनाया था। उसके बाद फिर हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान से जो हमारे रिलेशन खराब हुए थे, उस पाकिस्तान के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, हमने सब कुछ इशू डिस्कस कर लिया था। अब हमें पता है क्या जानना है, अब हमें जानना है कि जो इंडिया था ना, उसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उनसे एक दुश्मनी मोड़ ली, चाइना है उनसे प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। देन फाइनली हमने ये देखा कि यार बाहर देश की जो कंट्री है वो अपने को बहुत पावरफुल बनाती जा रही है, स्पेशली ऑन द न्यूक्लियर बेस्ड, अगर आपको याद हो हमने पहले भी पढ़ा था। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और फोर्थ पार्ट में अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है ना। तो ये स्लाइड ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। सो दिस इज द दिस इज फर्स्ट लिखा है यहाँ पे भाई, बट दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट, क्योंकि गलती होगी थोड़ी सी। अब यहाँ से बात करेंगे हम इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। देखिए यहाँ भी पता है क्या, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी कितनी खतरनाक है। अगर आपको याद हो तो हम लोग शुरुआती समय से अतिथि देवो भव वाली हमारी आइडियोलॉजी रही है, मतलब हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि यार पड़ोसी मुल्क के ऊपर हम ऐसे ऐसे अटैक कर देंगे, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा दुश्मन है, दुश्मनी भी हम दिल से निभाते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे भी सेम यही हुआ कि शुरुआती समय में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी ना, तो उस टाइम पीरियड पे भी हमने एक पॉलिसी बनाई। सो वो क्या थी, अगर हम बात करें हमारे चाचा जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमने एटमिक एनर्जी जो बनाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी पर्पज से बनाया था। हमारा कोई मकसद नहीं था कि आसपास की कंट्री को डराना, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि हम लोग एक पीसफुल कंट्री रहे, हमने कभी भी किसी की ज़मीन के ऊपर क्या कहते हैं अटैक करने की कोशिश नहीं करी, नहीं तो बांग्लादेश हमारा होता, लाहौर तक हमारी सेना पहुँच गई थी, तो पाकिस्तान भी हमारा होता, नेपाल वालों को भी हम अपने अंडर में ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करा था, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल बना रहे माहौल, और यहाँ पे हम तो ये भी कहना चाह रहे थे कि हम डिसआर्मेंट करवाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा क्या कहते हैं जो दुनिया है, जिन जिन के पास क्या कहते हैं परमाणु बम है, वो पूरी तरीके से उसका निशस्त्रीकरण कर दे, मतलब उसे खत्म कर दे, हम तो इसके फेवर में थे। हमने कहा भाई हमें किसी तरह का युद्ध नहीं चाहिए, डायलॉग से बातचीत होती है, बातों में बहुत मिठास है, हम प्यार प्रेम से चीज़ों को हल कर सकते हैं, सारी चीज़ों को प्यार प्रेम से हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने यही कहा। और यहाँ पे हमें पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रैपिड ग्रोथ फॉर द मॉडर्न इंडिया, और यहाँ पे हमें पता है कि यार कहीं ना कहीं ग्रोथ हमारे लिए ज़रूरी था, डेवलपमेंट हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। सो हमने क्या सोचा है, हमने सोचा कि ठीक है पड़ोसी मुल्क बना रहा है तो हमें भी एनर्जी, भाई एनर्जी के पर्पज से बनाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया है, डेवलपिंग इंडिया है, तो करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने इसको करने की कोशिश करी। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इसकी शुरुआत क्या कहते हैं इंडिया में एकदम से हो गई। होमी जहांगीर बाबा इज द फाउंडर ऑफ मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर टेस्टिंग। 1944 से, जब आज़ाद भी नहीं हुआ था देश हमारा 1944 से, उस टाइम पीरियड से ही हमारे देश में न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी। न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए हमने फिर आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, फेल हो गया था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ तो वो सक्सेसफुल हुआ है ना, तो वो जो हुआ सक्सेसफुल तो वो डेट आप बताइए मुझे कमेंट करिए। उसके बाद जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ वो क्या हुआ वो कमेंट करिए, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन से आता है कि वो जब कोडेड नेम रखा गया था, जब वो टेस्टिंग हो रही थी, अगर आपने परमाणु मूवी देखी हो तो उसमें कोडेड नेम रखा गया था, वो क्या था वो जानिएगा। सो हमने क्या कहा, हमें ये पता था कि हमने चाइना के बाद टेस्टिंग करी न्यूक्लियर टेस्टिंग, क्योंकि भाई हमें पता था कि चाइना ने 1964 के अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी थी। क्यों, एक तो हम लोगों से 1962 के अंदर इनका वॉर हुआ,
ऊपर से अगर ये लोग क्या कहते हैं 1964 के अंदर ऐसा कोई टेस्टिंग करते हैं तो भाई हमें तो घबराहट होगी ना, हमें तो घबराहट होगी, हमें पता था कि यार हमारा पड़ोसी मुल्क है और ऐसा कांड कर रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हम भी इस टीम में शामिल हो जाते हैं, मतलब हम भी इस रेस में शामिल हो जाते हैं, और दैट इज़ वाई हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने भी टेस्टिंग करी। लेकिन अगर आपने कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा हो, कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको पता होगा एक संकट हुआ था, दिस इज कॉल्ड क्यूबा, क्यूबा क्राइसिस। अगर आपको याद हो क्यूबा क्राइसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, 1961 के अंदर क्या कहते हैं क्यूबा क्राइसिस हमें देखने को मिला था सितंबर के अंदर आई थिंक। तो उसमें क्या हुआ था कि आप पूरा का पूरा क्या कहते हैं क्यूबा आइलैंड जो था वो पूरी तरीके से यूएसएसआर ने यूएसए को निशाने पे रख लिया। अब यूएसए को लगता था कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं यूएसएसआर हमें उड़ा ना दे, सो दैट इज़ वाई क्या कर लिया उन लोगों ने, आपस में एक संधि कर ली, और उस संधि के तहत मतलब एक तरीके का इन लोगों ने ट्रीटीज कर ली, उस संधि के तहत ये कहा गया कि दुनिया की जो टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो मॉस्को के अंदर रशिया के अंदर मिल रही है, और मॉस्को रशिया के अंदर मिल रही है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर 5 परमानेंट मेंबर जो है अगर वो डिक्लेयर कर दे कि अब कोई बम खरीदेगा नहीं, कोई बम बेचेगा नहीं, जिसके पास बम है सिर्फ वही बम रखेगा, दूसरा बम खरीद नहीं सकता कोई व्यक्ति, तो सोचिए यहां पे टॉप मोस्ट नेशन अगर ऐसा बोल रहे हैं तो छोटी डेवलपिंग कंट्री को मानना पड़ता है, मानना तो पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो हमें दबा देंगे, सो दैट इज व्हाई हमें ये मानना पड़ा। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आई थिंक मुझे इसके बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है कि एलटीबीटी था क्योंकि टेस्टिंग नहीं होगा, एनपीटी था इसका मतलब ये कि कोई बंदा क्या कहते हैं कोई बम बेचेगा नहीं। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब यूएस की जनरल सिक्योरिटी ने ये जानबूझ के सभी कंट्रियों के ऊपर थोपने के लिए कहा, मतलब आप लोगों ने बम बना लिया ये तो वही वाली बात होगी, क्या कहते हैं मतलब 100 समथिंग कुछ ऐसी थी कि हज को जाए बिल्ली, ऐसी कुछ था कि 100 चूहे खाए बिल्ली और फिर हज की यात्रा करने चली गई। कहने का मतलब कि इन्होंने पहले तो टेस्टिंग कर ली और उसके बाद जब इनके ऊपर अटैक की बारी आई, यूएसएसआर ने जब अटैक करा तो इन्होंने उनके साथ संधि कर दिया और बोला कि अब कोई भी बम बेचेगा नहीं, कोई भी बम बनाएगा भी, कोई भी परीक्षण नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल गलत था। दैट इज वाई इंडिया ने कहा कि भैया हम इसमें एग्री नहीं करते हैं कि आपने ऐसा कोई संधि सभी कंट्री के ऊपर थोप दिया। सो दैट इज वाई भारत ने कहा जो एनपीटी है ना ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशनरी है, मतलब बिल्कुल भेदभावपूर्ण है, ऐसा जबरदस्ती आप किसी कंट्री को नहीं बोल सकते कि आप टेस्टिंग मत करो, जमीन उनकी, पैसा उनका, वर्कर उनके, सब कुछ उनका, और आप उनको बोल रहे हो टेस्टिंग ना करें। क्यों? क्योंकि आपने टेस्टिंग कर ली है, आपके परमाणु हथियार हो गए, आप न्यूक्लियर टेस्टिंग बेस कंट्री बन चुके हैं, तो आप कुछ भी करेंगे, ये बिल्कुल गलत था। सो दैट इज वाई हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज वाई हम लोगों ने कहा कि हमने 1974 के अंदर इसका करा और ये फेल हुआ था इंडिया के द्वारा, ये बुद्धा मुस्कुराते इंदिरा गांधी के टाइम पे, देन फाइनली हमने ऑपरेशन शक्ति करा 1988 के अंदर और यहाँ पे फिर ये कामयाब हुआ। जब ये कामयाब हुआ ना तो याद रखिएगा इस टाइम पीरियड के अंदर नई सरकार थी, और जिसकी सरकार थी वो मुझे कमेंट करिए बताइए किसकी सरकार थी जिसके कार्यकाल के अंदर ये कामयाब हुआ। और जब ये कामयाब हुआ तो भाई इंडिया ने पूरे विश्व के अंदर झंडा गाड़ दिया, और यहाँ पे दूसरी जो कंट्रियाँ थी जिन्होंने मना करा था कि आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो उनकी बेइज्जती होगी, उन्होंने हमें इकोनॉमिक मदद देना भी बंद कर दी। लेकिन पता है क्या है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अगर टेस्टिंग करी थी तो हमारी टेस्टिंग दूसरी कंट्रियों से अलग थी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नीतियाँ बनाई, हमने कहा देखो हम सिर्फ और सिर्फ इसको डेटरेंट रखेंगे, मतलब परमाणु निवारक रखेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है 1964 के अंदर उन्होंने टेस्टिंग कर ली चाइना ने, तो भाई अगर हमारे पड़ोसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार है तो सिंपल सी बात है हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें जबरदस्ती जीने नहीं देगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा नो फर्स्ट यूज़। 1998 के अंदर जब ये हुआ तो हमने बोल दिया कि हम नो फर्स्ट यूज़ होगा, मतलब हम लोग पहले यूज़ नहीं करेंगे। मतलब सोचिए कि कोई बंदा परमाणु हथियार वाली कंट्री हमारे ऊपर बम फेंक देगी, उसके बाद हम अटैक करेंगे, क्या हम अटैक करने के लायक बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। लेकिन हमने क्या बोला, हमने कहा ये हमने शांति चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए करा है, नो फर्स्ट यूज होगा, हम इसको ऐसे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब हम पहले अटैक नहीं करेंगे। और नन यूज ऑफ यूएस अगेंस्ट नन न्यूक्लियर कंट्री, मतलब एक तो यूएन के अगेंस्ट में नहीं होगा ये यूज, ठीक है, और दूसरा हम उन पे अटैक नहीं करेंगे जिन कंट्रियों के पास न्यूक्लियर एनर्जी है ही नहीं। मतलब मान लीजिए वियतनाम से हमारा झगड़ा हो जाता है, भूटान से हमारा झगड़ा होता है, तो ऐसा नहीं कि हमने भूटान पे ले जाके न्यूक्लियर फेंक दिया और कहा कि जा भाई तू, तो ऐसा नहीं था। हमने कहा कि नहीं, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट इज वाई हमने कहा कि नहीं यार हम पहले अटैक नहीं करेंगे, और जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो उन पर अटैक ही नहीं करेंगे, और यूएन पे भी अटैक नहीं करेंगे, यूएन की पॉलिसी के खिलाफ है। जबकि हमने तो ये कहा कि ठीक है हम तो बंद करने के लिए तैयार हैं, हम तो न्यूक्लियर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर को, लेकिन वो इंडिया कह रहा है कि पूरी कंट्री पूरी तरीके से अपने सारे बम को खत्म कर दे, हम तो चाहते ही नहीं हम बम रखे, हम ये हथियार उठाना ही नहीं चाहते,
क्योंकि वही वाला डायलॉग है ना कि हम हथियार क्या कहते हैं चलाना नहीं भूले हैं, समझ रहे हैं, मतलब हमसे जो बैठेगा वो घर बैठेगा, ये वाला सीन था इंडिया के साथ। किसी को वो बोलता नहीं है और जब किसी को बोलता है तो किसी को छोड़ता नहीं है, तो सेम यहाँ पे यही केस था। लेकिन लेकिन अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल दैट हम पहले यूज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब ये नो फर्स्ट यूज जो है वो अब रिव्यू हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, ये डिपेंड करेगा कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को लेके। ये 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा कि भैया ये मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं कि अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम पहले यूज कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमें लगता है किसी का खतरा है तो इस पे हमने रिव्यू करा है। हमने कहा कि नहीं, अब नो फर्स्ट यूज वाला सिस्टम नहीं है जो पहले था, ठीक है। सो ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जुड़ा है, तो इसे आप याद रखिएगा कि किस टाइम पे जुड़ा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो और आई होप आपको समझ में आया होगा एंड वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। अब हम वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर उठाएंगे, इस वाली बुक से जो भी आना था वो हमने करा दिया है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो।